उसकी ब्लू आईज है। ओ बॉय के गाइस कैसे हो, सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइस थंबनेल देखकर तो आप आ ही गए, तो मैं बता देता हूँ, सच में मैं 2000 रुपये का डॉग दे रहा हूँ। क्यों दूंगा और किस लिए दूंगा और कैसे दूंगा, अगर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो ना तो पता चलेगा मैं क्यों दे रहा हूँ। तो गाइस एक चीज और दिखाऊँ, ये जो कौन सोया हुआ है भाई, मतलब मेरे साथ एनी टाइम यूज होती रहती है, मेरे चिपक कर होती है, मतलब मेरे साथ ना एनी टाइम सोती रहती है। गाइस एक चीज और, एक कहना इंपॉर्टेंट बात कहना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने एक चैनल बनाया है जो आई एम चौधरी के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाके चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट नहीं करना, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, तो कर देना। तो एक चीज और, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी पता चलेगा मैं क्यों दे रहा हूँ 2000 रुपये का डॉग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओ बॉय के दो गाइस, देखो कितने सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, सारे देखो। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। आज की वीडियो में कौन कौन सी ब्रीड दिखाने वाले भाई? भाई आज की वीडियो में हमारे पास से ये टॉय ब्रीड कुछ और अमेरिकन बुल्ली होगा, अच्छा, और क्रॉकर स्पैनियल हो रहा है, लासा भी है, और आपका ये हो गया पवेलियन हो गया, अच्छा भी है, अच्छा। तो गाइस मैं आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ टॉय ब्रीड ज्यादा कवर करेंगे, और भाई पिटबुल है, बहुत सारी ब्रीड है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जोड़ देंगे तो पता चलेगा मतलब कौन कौन सी ब्रीड है और कौन कौन सी नहीं है। तो सीधे चलते हैं, दिखाते हैं अमेरिकन बुल्ली, कौन सी अमेरिकन बुल्ली है गाइस, देखो अमेरिकन बुल्ली। तो भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये अमेरिकन बुल्ली है भाई, अमेरिकन बुल्ली है, फीमेल है, हाँ, पॉकेट साइज है। अच्छा, तो भाई साहब कलर कौन सा होने वाला है? ये फाउन कलर की बुल्ली है भाई, फाउन कलर की, अच्छा भाई, फुल्ली मतलब एक्टिव है, फुल्ली एक्टिव, फुल एक्टिव है, फुल एक्टिव है भाई। तो भाई अच्छा, इसके बात करो जैसे मतलब एक क्वेश्चन पूछना है, इसके स्टार्टिंग प्राइस कितना हो सर? इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है फीमेल का इस साइज में, इस क्वालिटी में, जो वो आपके पड़ती है 18,000-20,000 के लगभग में, अच्छा, फीमेल का इसी क्वालिटी में अगर मेल लेते हो तो मेल आपका 22,000-25,000 के रेंज में जाता है। अच्छा, अभी इसके बच्चे भी हुए हैं, अच्छा, तो बच्चे अभी छोटे हैं, वो अच्छा, मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, हाँ। थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बच्चे भी दिखा दूंगा। अच्छा, तो मतलब बुकिंग स्टार्ट है ना? हाँ, बुकिंग स्टार्ट है बच्चों का। तो गाइस किसी को लेना हो तो भाई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भाई से। तो भाई अब चलते हैं उसपे, ये ट्राई कलर बुली है, ये ट्राई कलर, हाँ, ये बच्चों का फादर है। अच्छा, बच्चों का फादर है, यही है बच्चों का। अच्छा, तो भाई इसका नाम क्या होने वाला है? इसका ब्रूनो नाम है। अच्छा, ब्रूनो नाम है भाई, इसे टच कर सकता हूँ? हाँ, इसे टच कर सकता हूँ, फ्रेंडली है काफी, ऐसे कोई नहीं। अच्छा भाई, देखो गाइस, देखो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और इसे मैं टच कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं कर रहा, पूरा मतलब पूरा फ्रेंडली डॉग है। तो भाई अब मैं इसकी बात करूं जैसे मतलब इसका भी सेम प्राइस होगा? हाँ, इसका भी सेम प्राइस है, मेल है, अगर ट्राई कलर में थोड़ा ये होता है ना, रेयर होता है, बहुत कम मिलता, अच्छा, है कलर, तो ये थोड़ा और कलर से कॉस्टली पड़ता है, ज्यादा नहीं, 1,000-2,000 रुपए थोड़ा कॉस्टली पड़ता, अच्छा, है, कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, तो भाई ये मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, कौन साइज कौन सा है? स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज है। तो गाइस अब मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ टॉय ब्रीड, और मतलब मेरे को तो भाई बहुत ही अच्छे लगते हैं टॉय ब्रीड, तो आपको दिखाऊंगा, आप भी बहुत मतलब आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे, तो सीधे चलते हैं उनको दिखाते हैं। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ कौन सी ब्रीड है भाई, ये लासा एप्सो है, ये लासा एप्सो गाइस, ये देखो भाई की भाई, बता अच्छा भाई एक क्वेश्चन है कि इस ब्रीड में मतलब जज कैसे की जाए, ये मतलब ओरिजिनल ब्रीड है या मतलब कोई मिक्स ब्रीड है? भाई देखो, लासा में जो प्योर अगर क्वालिटी रहती है ना, अच्छा, की ये रहती है, देख लो प्योर ब्रीड है लासा की, अच्छा, हाँ, जो थोड़ा इससे लंबी हाइट में आएंगे, बड़ी हाइट में आएंगे, अच्छा, और शकल के थोड़ा आगे से मतलब उनकी पोस्ट थोड़ा लंबी सी रहती है, अच्छा, और हेयर भी इस टाइप के नहीं होंगे, इसके काफी लंबे हेयर होते हैं, अच्छा, अभी कटवा रखे हैं तो इस वजह से छोटे हैं, अच्छा, हाँ, मतलब ये छोटे और कटवा रखे हैं, ये कटवा रखे छोटे हेयर हैं, अच्छा, उसके अभी लॉन्ग हेयर करे नहीं है काफी ज्यादा, अगर लॉन्ग हेयर करनी होती है तो उसके लिए काफी जागे इनकी ग्रोइंग वगैरह में बहुत ज्यादा बालों के उसके लिए देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, तो भाई एक क्वेश्चन हो रहा है मतलब इसको फीड क्या देते हैं? इसको हम जो फीड देते हैं वो तो पपी अभी एडल्ट हो चुका है, आपका 2.5-3 साल का हो चुका है, 2.5-3 साल का हो चुका है, तो इसको जो हम अभी देते हैं वो स्टार्टर ही दे देते हैं, स्टार्टर, अच्छा,
तो मतलब इसका एक क्वेश्चन और है, जैसे कोई बंदा लेना चाहता है तो मतलब स्टार्टिंग में कितना मतलब खर्चा कितना पड़ जाता है? देखो भाई वो ना देखो फीड का, फीड के ऊपर है इनका, कोई ज्यादा फीड का खर्चा नहीं है, बहुत बहुत जरा सा खाते हैं मतलब। अच्छा। ज्यादा वो नहीं है, अगर आप शुरू से इनको, ऐसा नहीं है कि घर का खाना नहीं खाते। अच्छा। ये इनको तुम शुरू से दही रोटी वगैरह भी खिलाओगे तो वो भी खा लेते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी फूड वूड की जैसे आप जौन सा फूड यूज करोगे। अच्छा। जब वो मेन बेस्ट फूड अगर जो हम खिलाते हैं वो तो रॉयल कैनल। अच्छा। है रॉयल कैनल। अच्छा। अगर खिलाओगे तो रॉयल कैनल से और बेस्ट बढ़िया अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी आएगी, हेयर क्या इनकी ग्रूमिंग वगैरह ग्रोथ वगैरह के लिए अच्छी होती है, हेल्थ वगैरह के लिए फूड अच्छा है। अच्छा, मतलब कम बीमार पड़ेंगे, बैठ के पास कम जाना पड़ेगा। हाँ ये भी। अच्छा। है, और बाकी ऊपर है जो भी कस्टमर अब जो खिला सकता है फूड सब सकता। अपने हाँ। जेब देख के खर्चा कर हाँ। सकते हैं भाई। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई किसी बंदे को लेना चाहे तो स्टार्टिंग प्राइस क्या पड़ जाता है इस रेट का? अगर इस बंद किसी को भी, अभी जो लॉकडाउन से पहले तो ये थोड़ा सस्ता था लेकिन अच्छा। अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा कॉस्टली हाँ, हो चुका है, मतलब थोड़ी बहुत ग्रेड में ऊपर हो गया इसका जो अभी इस टाइम पर प्राइस चल रहा हो 18-20-22 ये चल रहा है। अच्छा, तो गाइस किसी को लेना हो तो 18-20 में मिल जाएगा, मेल मिलेगा फीमेल? मेल मिलेगा, मेल। और फीमेल की बात करो अगर मिलती है 15-16, तो गाइस 15-16 में आपको फीमेल मिल जाएगी। तो देखोगे कितनी क्यूट सी लग रही है भाई, मेरे को तो मतलब मेरा तो मन कर रहा है इसको ले जाने का घर। बाकी देखो क्वालिटी के ऊपर बात होती है, जैसे अच्छा, आप क्वालिटी वैसे वैसे प्राइस बढ़ता रहता है। अच्छा, तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ, मतलब ये कब से मेरे को ना बुला रहे हैं और मैं इसकी वीडियो बना रहा था, मतलब भौंक रहे थे तो इनके पास ही चलते हैं। और देखो कितनी क्यूट सी लग रही है। तो भाई ये तो मुझे पता है बीगल है, ये तो बीगल। हाँ तेरी भी बनाऊंगा, टेंशन मत है तेरी भी बनाऊंगा। तो भाई ये बीगल है, इसके बारे में बताओ भाई। भाई ये अपनी बीगल है, इसका नाम कैस्पर है, फीमेल। अच्छा, है ये। हाँ हाँ, और ये अभी हमारा हो चुकी है आपका 2.5 साल के करीब की हो चुकी। अच्छा, 2.5 साल की हो चुकी है। बेटा चुप हो जा, तेरी भी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत ले। ओ भाई के इसकी ब्लू आइस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो भाई अच्छा, तो भाई इसके मतलब इसकी क्वालिटी कैसे जज की जाती है इस ब्रीड की? भाई इनके ना मार्किंग के ऊपर होती है सारी बात जो होती। अच्छा। है, और हाइट जो ये है कॉम्पैक्ट साइज है व्हीकल का। अच्छा। इसमें बड़े साइज के भी व्हीकल कुछ आते हैं, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिक्स रहते हैं, तो इस वजह से उनकी हाइट वगैरह थोड़ा बढ़ जाती है। अच्छा, बढ़ जाती है। प्रॉपर मार्किंग के हिसाब से जो कलर होता है इसका, इसमें जो आते हैं ये आपका 10 कलर, जैसे ब्लैक और ब्राउन शेड्स में है ये कलर जो होता है, ये सबसे रेयर होता है, सबसे ज्यादा सेल होता है ये कलर। हाँ, सबसे ज्यादा मैंने इसी कलर में देखे हैं भाई। हाँ, एक लीवर कलर भी आता है, वो थोड़ा हल्का रहता है। अच्छा। हाँ, हल्का रहता है। तो भाई ये देखो, वो सबसे पहले भाई उसकी आंखें दिखाओ। ये भी लासा एप्सो है, फीमेल है, इसके भी अभी हेयर बाल काटे हुए हैं। अच्छा, कटिंग कर रखी है। कटिंग कर रखी है। बाकी आपका, तो भाई सबसे पहले इसकी आंखें दिखाओ। आंखें नोटी नाम है इसका। अच्छा, नोटी नाम है। आंखें दिखाओ भाई इसकी, आंखें ब्लू आईज है। ब्लू आईज है। ओ बॉय के गदर, दोनों भाई ब्लू आईज है। तो इसका नाम क्या? नोटी है। इसका नाम नोटी है, और इसकी हरकतें भाई नोटी नोटी जैसी है। ये थोड़ा मैं इसकी वीडियो बना रहा था ना, तो ये भौंक रही थी, कितनी क्यूट सी लग रही है। तो भाई इसका मतलब फीमेल है ना? हाँ, ये फीमेल है। कितने महीने की होगी? महीने की नहीं, साल की ये अभी आपको हो चुकी है कम से कम 15-16 महीने की। 15-16 महीने की। हाँ। हो चुकी है गाइस, देखो। और कितनी भाई कितनी क्यूट सी है, अभी आने वाली है हीट पे, फिर अच्छा बच्चे आने वाले मार्केट में। अच्छा, आने वाले। तो इसका क्या प्राइस? इसका वही आपका फीमेल का प्राइस लेते हो तो 16,000-17,000 ऐसे ही है, और मेल का प्राइस लेते हो तो आपका 20,000-22,000। अच्छा, वो क्वालिटी के ऊपर है, आने का आपका 35-40,000 का भी आता है। अच्छा, और वो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी रहती है, केसीआई रहती है। अच्छा, तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ, मतलब बहुत ही यूनिक ब्रीड है। और भाई इसका ब्रीड का नाम क्या है? ये क्रॉकर स्पैनल है भाई। क्रॉकर स्पैनल भाई, ये देखो, ओ माई गॉड, ब्लैक कलर का, फुल डार्क ब्लैक कलर है। अच्छा, ये मेल है। अच्छा, मतलब इसकी क्वालिटी की, इसकी खासियत बताओ इस ब्रीड की। इस ब्रीड की क्या खासियत बताऊं भाई, मतलब तुम्हें? कैसे जज की जाए इस ब्रीड को, मतलब ये बेस्ट क्वालिटी है भाई? ये बेस्ट क्वालिटी है ना, अभी इसके हेयर थोड़ा इनके भी कटे हुए हैं। अच्छा। हाँ, इनके भी हेयर थोड़ा लॉन्ग होते हैं। अच्छा। और जो इनके ये रहते हैं ना, हाँ, जो कान है। हाँ, इनके लंबे लंबे होते हैं। अच्छा। अभी इनके जैसे बाल कटे हुए, अगर इनके थोड़ा बाल होते हैं तो आप देखते हैं कि इनके बाल थोड़ा लंबे लंबे रहते हैं, तो कान भी और थोड़े लंबे लंबे दिखते हैं। अच्छा। बाकी ये है, इसमें साइज का हिसाब है, ये है जैसे, और ये देखो दोनों में साइज का थोड़ा थोड़ा आपको फर्क। हाँ, लग रहा हो, दोनों डिफरेंट है, मतलब दोनों ब्रीड एक ही है? ये दोनों ब्रीड एक ही है। अच्छा, मुझे तो अलग अलग लग रही थी। अलग अलग नहीं है, दोनों ब्रीड एक ही है। अच्छा। इनके बाल कटे हुए इस वजह से थोड़ा तुम्हें अलग दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। इनके बाल अगर पूरी ग्रोथ में रहे तो एक जैसे ही लगेंगे तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेल है ना? हाँ, ये मेल है भाई, ये फीमेल है। इसका नाम क्या?
इसका नाम है आपका ब्लैकी। ब्लैकी हाँ। और इसका नाम कोको। कोको कोको। तो भाई इसका मतलब प्राइस क्या पड़ता है? इसका जो प्राइस जाता है भाई क्रॉकर स्पैनल का, अच्छा, ब्रीड में थोड़ा कॉस्टली आते हैं ये ब्रीड, आपका 30 से 35 हजार रूपए अच्छा के आसपास पड़ती है। अच्छा 30 से 35 हजार रूपए। और इसकी बात करूँ तो कितना पड़ता है? ये फीमेल है, फीमेल का भी आपका वही कम से कम 28 हजार 25 हजार के आसपास पड़ेगी। अच्छा ओ भाई का फुल्ली मतलब देखो एक्टिव ये देखो ओ भाई ओ आ। तो गाइस देखो कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। तो ब्रूनो तो गाइस मैं 2000 रुपए का डॉग कैसे दे रहा हूँ? तो गाइस मैंने 2000 रुपए का मैं खुद दूंगा, तो भाई नहीं देंगे, मैं खुद दूंगा 2000 रुपए का डॉग। ये है कि एक मैंने वो रख रखा है, मतलब 20,000 इस वीडियो पे लाइक चाहिए और मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम मैंने नीचे हैंडल पे डाल रखा है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये अगर पूरा हो जाता तो मैं दूंगा 2000 रुपए का डॉग। तो सीधा चलते हैं, आप दिखाता हूँ भाई एक ब्रीड। कौन सी ब्रीड दिखाते हैं भाई? भाई आपको दिखाते हैं पोमेलियन, जो पोमेलियन स्पिट के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा हाँ, जो लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि सस्ती ब्रीड चाहिए, सस्ती ब्रीड चाहिए भाई। हाँ, तो ये देखो अभी ये देख लीजिए, ये पोमेलियन है। अच्छा हाँ, इसकी क्वालिटी देख लीजिए, बाकी पोमेलियन में बहुत थोड़ा मिक्स क्वालिटीज भी बहुत आती है। हाँ मिक्स भी आती है। हाँ ये है कि जो सस्ता मिलता है ना, जैसे कहते हैं 2000 3000 4000 के रेंज में मेल आ जाता है पोमेलियन का, तो फिर वो क्वालिटी के ऊपर बात क्वालिटी लोगे उस हिसाब से मिलेगा, उस हिसाब से प्राइस है। अगर अभी इस क्वालिटी में अभी हम जाएं पवेलियन में तो इस टाइम पे 7000 8000 रुपए ऐसा प्राइस चल रहा है मेल का। फीमेल का आपका 6000 5000। अच्छा इस प्राइस में मैंने भी भाई बहुत सारी वीडियो देखी है, मैंने भी खुद मैंने भाई बनाई है, तो 2000-3000 रुपए बताते हैं भाई उसका क्या सीन है? 2000-3000 रुपए देखो भाई मिलने का सीन ऐसा कुछ नहीं है। 2000-3000 रुपए भी लॉकडाउन से पहले मिल जाते थे पवेलियन। अच्छा 2000-3000 रुपए में, अभी लॉकडाउन के बाद पवेलियन के भी रेट थोड़ा बढ़ गए हैं। 8000-9000 रुपए का इस टाइम पे मेल आ रहा है, एक अच्छा पवेलियन का मेल थोड़ा। अच्छा अगर आप थोड़ा लो क्वालिटी में लेते हैं कहीं से, मतलब जैसे इसकी हाइट है कॉम्पैक्ट हाइट वो है, कुछ थोड़ा बड़ी हाइट में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं से क्या मिक्स होके आ रहा होगा, तो जाके सही बात है। वही है फिर वही मिलते हैं भाई 2000-3000 रुपए में, तो थोड़ा मिक्स क्वालिटी। तो भाई एक क्वेश्चन मेरा और है, किसी बंदे को मैं डिलीवरी लेना हो तो भाई कैसा हो उसका क्या? भाई डिलीवरी का भी ये सीन है, अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं बाहर मंगाते हैं तो अच्छा। आपका डिलीवरी का ये सीन रहता है, अगर कोई डिलीवरी करवाता है हाँ। चाहे दिल्ली में ही डिलीवरी करवाता है हाँ। तो बुकिंग पहले होती है, हाफ पेमेंट पहले होती है, हाफ पेमेंट आपका जो होता है वो डिलीवरी के टाइम पे होता है। आजकल जो डिलीवरी हो रही है, अगर बाई ट्रेन डिलीवरी नहीं हो पा रही तो बाई कैब भी हम डिलीवरी करवाते हैं। बाई एयर का भी है, बाई एयर का ये डिलीवरी का थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। हाँ बाकी जैसे बहुत से कस्टमर होते हैं जो करवाते हैं, कहते हैं मेरा डॉग सेफली आना चाहिए मुझे बढ़िया, मतलब बाई एयर में भाई एक दो घंटे में पहुंच जाते हो? हाँ बाई एयर में जैसे ज्यादा ही अर्जेंट चाहिए तो वो बाई एयर से भी पहुंच जाता है, ऐसा कोई नहीं है। और बाकी मतलब सारी फैसिलिटी आपके पास? सारी फैसिलिटी है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डॉग चाहिए वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा तो गाइस छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।